हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार MNC क्लासेस में। दोस्तों, पार्ट 3 का रिजल्ट कब होगा जारी, इसके बारे में जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। जैसे कि पेपर में भी बताया गया है कि 25 जून तक आपका परिणाम घोषित कर दी जाएगी। लेकिन हम बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का अभी जो रिजल्ट जारी हुआ है कुछ दिन पहले, उसमें ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर कैसे जारी हुआ है, तो वहाँ पर आपको BCOM यानी कॉमर्स का पहले हुआ है, फिर अभी तक आर्ट्स और कॉसाइंस का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो क्या ऐसा भी इसमें हो जाएगा, तो इसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, क्या ऐसा भी होने वाला है या ऐसा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि हम रिजल्ट के बारे में पूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। रिजल्ट कब होगा जारी, कैसे चेक करना है, ये सब जानकारी भी हम आपको देंगे। तो यहाँ पर जैसे आप सर्च करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरह के पेज ओपन होता है, जहाँ पर आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर रोल कोड मांगा जाएगा, जिसे भरने के बाद आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यानी केवल आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर देना है, फिर आपको सर्च करना है और आपका परिणाम आ जाएगा। तो यही प्रोसेस है रिजल्ट चेक करने का, लेकिन रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं किया गया। अगर हम बात करें मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट का, जो अभी बिल्कुल रूप से मेंटेनेंस में जा चुका है, यानी काफ़ी स्लो चल रहा है, यानी रिजल्ट अपलोडिंग का काम लगभग शुरू हुआ है, जिसके वजह से ये काम हो रहा है, या कोई तकनीकी प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये पार्ट 3 रिजल्ट चेक करने का ही जो है पोर्टल ओपन हो चुका है, पार्ट 3 रिजल्ट ही है। आप लोग यहाँ पर भी चेक करेंगे तो बताया जा रहा है चेक पार्ट 3 रिजल्ट। तो यहीं से यहाँ पर कहीं से भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको कैसे चेक करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और इस लिंक को हम चाहते हैं पूरे ग्रुप में शेयर कर देते हैं, तो आप लोग देखिए कि हम इसे शेयर कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, हर एक ग्रुप में शेयर कर देंगे। हम कॉपी कर लिए हैं, अब हम सभी ग्रुप में शेयर कर देंगे, जहाँ से आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। लेकिन रिजल्ट अभी आपका चेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो है रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ। ये तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, डायरेक्ट आपका रिजल्ट चेक करने वाले लिंक पर है। लेकिन जैसे हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर चलेंगे, तो ऑफिशियल वेबसाइट आपका यहाँ से खुलेगा ही नहीं खुलेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ही ओपन नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम है अभी जो नहीं हो रहा, ओपन ही नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये ऑफिशियल साइट है मिथिला यूनिवर्सिटी का, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा ही नहीं। देख सकते हैं आप लोग, ये नहीं खुला, नहीं खुला, ये क्या है, सर्वर अंडर मेंटेनेंस में जा चुका है। तो ये जो है अभी काफ़ी इरर दिखा रहा है, तो ये लगभग सुधार हो जाएगा शाम तक में। फिर आपका रिजल्ट 25 जून को बोला गया है, तो 25 जून तक या उससे पहले भी आपका जारी हो सकता है। बाकी यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आप लोग को रिजल्ट चेक करना होगा अभी या ऐसा प्रोसेस देखना है, तो इसके लिए गूगल को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको क्या सर्च कर लेना है, यहाँ पर सर्च करना है MNC क्लासेस। जैसे MNC क्लासेस सर्च करेंगे, आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है, यहाँ पे इस पेज वाले पे आपको क्या कर देना है, एक छोटा सा क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। अब आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी अपडेट्स में आकर के आपको सारी जानकारी को देख लेना है, समझ लेना है। फिर आपको यहाँ पर पार्ट 3 रिजल्ट से संबंधित जानकारी मिलेगी, उसे आपको क्लिक कर लेना है उस पर, और उसमें जा करके आपको समझ लेना है। बाकी कोई भी जानकारी लेना हो जो नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आप क्या करता है करना है आप लोग को, इस वेबसाइट पर आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे शो हो जाएगा, दिखा देगा। बाकी यह वीडियो कैसा लगा, हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।